दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। बिहार में इन दिनों पंचायत चुनाव महापर्व चल रहा है। पिछले 29 नवंबर को नालंदा जिले में भी नौवें चरण के लिए हिलसा एवं बिंद प्रखंड में पंचायत चुनाव संपन्न हुआ, जिसके तहत हिलसा प्रखंड में कुल 15 पंचायतों में एवं बिंद प्रखंड के कुल 7 पंचायतों में पंचायत चुनाव नालंदा जिला प्रशासन की कड़ी मुस्तैदी के बीच संपन्न हुआ और आज उसी पंचायत चुनाव के मतदान का मतगणना है। फिलहाल इस वक्त हम नालंदा कॉलेज मुख्य गेट के पास मौजूद हैं और आप हमारे पीछे की तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरह से नालंदा कॉलेज में जो प्रत्याशी हैं वो एंट्री कर रहे हैं और रिजल्ट से जुड़ी तमाम अपडेट्स लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हम आपको बताते चले कि नौवें चरण में बिहार में पंचायत चुनाव संपन्न हुआ, जिसको लेकर नालंदा में हिलसा प्रखंड के कुल 15 पंचायतों में एवं बिंद प्रखंड के कुल 7 पंचायतों में पंचायत चुनाव हुआ है, जिसको लेकर आज मतगणना का कार्य बिहार शरीफ मुख्यालय स्थित नालंदा कॉलेज में चल रहा है। आप देख सकते हैं कि नालंदा जिला प्रशासन की कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना का कार्य किया जाएगा, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी के साथ सड़कों पर तत्पर है, भीड़ भाड़ को एकत्रित होने नहीं दे रही है। आप बाहर का भी नज़ारा देख लीजिए कि किस तरह से जो प्रत्याशी के समर्थक हैं वो सड़कों पर अपने प्रत्याशी के जीत का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें यह उम्मीद है कि उनका प्रत्याशी जीत कर कब बाहर आता है, उसी उम्मीद को लेकर वह बाहर में अपने प्रत्याशी के इंतजार में खड़े हैं और रिजल्ट से जुड़ी तमाम जो जानकारियां होंगी सबसे पहले हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिर से हम अपने कैमरामैन को कहेंगे नालंदा कॉलेज का नज़ारा दिखा दें। ये देखिए एएसडीएम जो है वो नालंदा कॉलेज में प्रवेश कर रहे हैं, मतगणना का कार्य शुरू हो गया है और नालंदा जिला प्रशासन की कड़ी मुस्तैदी के बीच मतदान और मतगणना दोनों कराया जा रहा है और रिजल्ट से जुड़ी तमाम अपडेट हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। नौवें चरण में हिलसा प्रखंड के 15 पंचायत और बिंद प्रखंड के 7 पंचायत, यानी टोटल नौवें चरण में 22 पंचायतों में मतदान हुआ है, उसी का आज परिणाम आएगा और परिणाम से जुड़ी तमाम अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अगर वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।